Hello guys, welcome to Clear Repeat. Yes, BCS here. I am Akshishula, and in this video we will talk about Jainism and Buddhism. The earliest chapter I have covered, so you can watch it from this playlist only. Now let's start. First topic in this video is that cause of origin. So इसमें cause of origin दोनों के दे रखे हैं कि Jainism और Buddhism arise क्यों हुआ, क्योंकि दोनों के cause of origin more or less same ही थे. So let's start. First factor जिसने contribute किया origin of Jainism and Buddhism is वर्णवाद बेस्ड ऑन बर्थ एंड टू हायर वर्ण गिवन प्रिविलेजेस एग्जांपल एग्जाम्पल फ्रॉम टैक्सेस. ठीक है ना, तो वर्ण बेस्ड ऑन बर्थ हो गया था इसमें. लेटर वैदिक पीरियड में हमने देखा कि वर्ण जो था बेस्ड ऑन बर्थ हो गया था, तो उसके थ्रू क्या होता था कि जो क्षत्रिय और ब्राह्मणास थे उनको प्रिविलेज मिलती थी, जैसे उनको टैक्स नहीं देना पड़ता, जबकि वैश्यास को टैक्स देना पड़ता था. वैश्यास जो थे वो प्रिंसिपल टैक्स पेयर थे. हाउएवर दे आल्सो प्लेस इन कैटेगरी ऑफ द्विज, उनको द्विज की कैटेगरी में रखा गया था, मतलब कि वो सेक्रेट जो थ्रेड होता है उसको पहन सकते थे, वेदा भी पढ़ सकते थे. बट ड्यू टू अबव लोअर क्लास स्टार्ट रेजिस्टिंग ब्राह्मणिकल डोमिनेशन, बट रेजिस्टेंस ऑफ क्षत्रियाज और वेरी इंटेंस. लेकिन इसकी वजह से हुआ क्या कि लोअर क्लास तो रजिस्ट कर ही रही थी ब्राह्मणिकल डोमिनेशन को, उसके साथ क्षत्रियाज ने भी क्या किया. अर्लीस्ट क्या होता था कि ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड में दोनों ने कॉपरेट किया था कि दोनों कॉपरेट करके रूल करेंगे, अपने डोमिनेशन बनाए रखेंगे. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, यहाँ पे क्षत्रियाज ने भी ब्राह्मण के डोमिनेशन का अपोज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था फाइट हम करते हैं कि हम है तो इनको ज्यादा प्रिविलेज कैसे मिल रही है. ठीक है ना, क्षत्रियाज रेकग्नाइज्ड प्रीस्टली क्लास कॉल्ड ब्राह्मणास. ठीक है ना, तो इसको ब्राह्मणास में लिखा गया है, एक बुक है ब्राह्मणास. तो इसकी वजह से महावीरा एंड जैनिस ऑफ गौतम बुद्ध और बुद्धिस्ट बिलोंग टू क्षत्रिय क्लेन. इसी वजह से आप देखते हैं महावीरा और महावीर और गौतम बुद्ध जो है दोनों क्षत्रिय क्लेन से बिलोंग करते हैं. तो क्षत्रियाज के अपोजिशन की वजह से वॉज ब्राह्मणिकल डोमिनेशन, पहला रीजन ये था. अनदर कॉज वाज स्प्रेड ऑफ न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. आर एस शर्मा में लिखा है कि ये मेजर कॉज था, क्योंकि ड्यू टू यूज ऑफ आयरन टूल फॉरेस्ट क्लियर एंड प्लोस एयर ऑफ आयरन ऑल्सो यूज लीडिंग टू इंक्रीज इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल एंड देवर शॉर्ट इन नंबर ड्यू टू सेक्रीफाइस एक्टिविटी. तो इसमें क्या कि आयरन जो था उसकी डिस्कवरी हो चुकी थी, उसके एक्सेस हो गए थे, उसके फ्लो शेयर्स वगैरह सारी चीजें यूज होने लगी थी. जिससे क्या हुआ कि जैसे किसी को हल चलाना है उसके लिए एनिमल्स की जरूरत पड़ती थी. लेकिन ब्राह्मणिकल सिस्टम में क्या था, ब्राह्मणिकल सिस्टम में था कि जो एनिमल्स थे उनका सेक्रीफाइस किया जाता था, उनकी बलि दी जाती थी. इसकी वजह से एनिमल्स प्रॉपर क्वांटिटी में थे नहीं जिससे कि फ्लो शेयर को यूज किया जा सके. तो इसकी वजह से ये नए रिलीजन स्प्रेड हुए, क्योंकि देखिए जैनिज्म और बुद्धिज्म में दोनों में जानवरों को मारने को रोका गया है कि उनको मार नहीं सकते हैं. दो बुद्धिज्म में क्या था कि अगर कोई मीट वगैरह दे देता तो खा लेते थे, बट वहां पे मारने का कोई सीन नहीं था, नॉन वायलेंस पे दोनों थे. तो इसकी वजह से ये भी एक रीजन था कि जब एनिमल सेक्रीफाइस बंद हो जाएंगे तो ये इकोनॉमी में हेल्प करेगा. थर्ड रीजन इज दैट अर्लीस्ट कॉइन बिलोंग टू 5th century BC एंड कॉल्ड पंचमार्क कॉइन एंड सर्कुलेटेड फर्स्ट टाइम इन यूपी बिहार. तो पंचमार्क कॉइन सबसे पहले कहां सर्कुलेट हुआ, यूपी बिहार में. फैसिलिटेटेड ट्रेड एंड कॉमर्स, दस इंपॉर्टेंस ऑफ वैश्यास इंक्रीज. ठीक है ना, तो क्योंकि पंचमार्क कॉइन आगे वैश्यास की इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि ट्रेडर्स और मर्चेंट वही थे. बट देवर थर्ड इन पोजिशन, दस दे स्टार्ट लुकिंग फॉर न्यू रिलीजन आइडेंटिटी टू इम्प्रूव देयर पोजिशन. तो क्षत्रिया वैश्यास क्या थे, मेजर टैक्स पेयर थे, इनकी ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर भी ये सोसाइटी में तीसरे नंबर पे थे. तो इनको एक नया रिलीजन चाहिए था जिसमें इनकी डोमिनेशन बन पाए, इसकी वजह से ये एक रिलीजन और इमर्ज होके आता है. मर्चेंट स्टार्ट सपोर्टिंग बुद्धा एंड जैना एंड कॉल्ड सट्टीज. तो अभी सट्टी जो होते हैं वो मर्चेंट क्लास है. ठीक है ना, अभी सट्टी जिनके सरनेम में लगता है वो मर्चेंट क्लास है. तो उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट किया बुद्धा और जैना को, क्योंकि वैसे आज के उसमें आते थे. दे सपोर्टेड बुद्धा एंड जैना ड्यू टू फॉलोइंग रीजन. वो जो नीचे रीजन दिए हुए इसकी वजह से जैना और बुद्धा को सपोर्ट करते थे. नो इम्पोर्टेंस टू वर्णा सिस्टम. वर्णा सिस्टम में थर्ड पोजिशन पे थे. तो जब ये जैनिज्म और बुद्धिज्म में इन्होंने ज्वाइन किया तो वहां पे वर्णा सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. नॉन वायलेंस था जिसकी वजह से ट्रेड क्या होता था, प्रमोट होता था बिटवीन किंगडम्स. अगर नॉन वायलेंस प्रमोट होगा तो दो किंगडम आपस में लड़ेंगे नहीं, और अगर लड़ेंगे नहीं तो इनका ट्रेड चलता रहेगा. पहले क्या होता था कि दो किंगडम लड़ गए तो इनका ट्रेड जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता था. हिंदू लॉ बुक कंडम्स लीडिंग ऑन इंटरेस्ट एंड दस वैसे वर ईगर टू इम्प्रूव दियर पोजिशन. ठीक है ना, सॉरी लेंडिंग ऑन इंटरेस्ट. तो हिंदू लॉ बुक में क्या था कि इंटरेस्ट पे लेंडिंग जो थी वो कंडेम कर दी गई थी हिंदू लॉ बुक में, बट वैसे आज
अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए ये चाहते नहीं थे, इसकी वजह से फिर उन्होंने नए रिलीजन को चुनना स्टार्ट किया। न्यू काइंड ऑफ लाइफ एंड सिस्टम एग्जाम्पल इनइक्वालिटी ड्यू टू न्यू फॉर्म ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी वॉज नॉट एज पर द डिजायर ऑफ पीपल, सो दे वॉन्टेड टू लिव ऑन प्रिमिटिव स्टाइल एंड दिस मूव टुवर्ड इजी लाइफ, ठीक है ना। तो नई लाइफ में जो रही थी ड्यू टू इकोनॉमिकल सिस्टम, उसमें लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी रखे क्योंकि लैंड ग्रांट्स जो था वो बढ़ने लगा था, तो लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी में ज्यादा बिलीव करने लगे थे, तो इसकी वजह से इनइक्वालिटी हो गई थी सोसाइटी में। कुछ लोग जिनके पास लैंड ज्यादा थी वो रिचर क्लास थे और सब पुअर क्लास थे, तो वो चाहते थे, लोग चाहते थे कि वो प्रिमिटिव जो स्टाइल है उस पर फिर से मूव करके जाए। देवर अगेंस्ट मटेरियलिस्टिक, देवर इन फेवर ऑफ मर्चेंट एंड, तो वो मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरह क्या थे, अगेंस्ट थे लोग और फेवर ऑफ किसके थे, मर्चेंट मर्चेंट के। रिजिड ब्राह्मणिकल सिस्टम था, ब्राह्मणिकल सिस्टम बहुत ही रिजिड था, उसमें अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती थी, शूद्रास को कोई भी प्लेस नहीं दिया जाता था, तो ये सारी चीजें थी। तो ये था कॉज ऑफ ओरिजिन। सो दिस कैन आस्क इन यूपीएससी मेंस एग्जाम एज वेल, क्योंकि लोगों को मोस्टली ये ब्राह्मणिकल डोमिनेशन के अपोजिशन का केवल एक रीजन पता होता है, लेकिन इस पे और भी ये सारे इकोनॉमिकल सोसाइटल जितने भी सारे रीजन वो दिए गए। सो यू कैन राइट अ गुड आंसर बाई रेफरिंग दिस। ओके नाउ वी विल टॉक अबाउट जैनिज्म। 24 तीर्थंकरास, 24 तीर्थंकर थे जैनिज्म में, पहले ऋषभदेव थे, अयोध्या में बॉर्न हुए थे। 23rd जो थे उनका नाम था पार्श्वनाथ, वाराणसी में उनका जन्म हुआ था, और मोस्ट ऑफ टीचिंग ऑफ जैनिज्म एट्रीब्यूटेड टू मैन लास्ट वॉज महावीर। तो जो पार्श्वनाथ थे जितनी भी टीचिंग है सारी पार्श्वनाथ को बिलोंग करती है, सिर्फ लास्ट जो ये एक लास्ट जो थिंग एड हुई थी अभी मैं आपको बताऊंगा, वो चीज आके महावीरा ने ऐड की थी, उसके पहले जितनी चीजें पार्श्वनाथ को बिलोंग करती है। मोस्ट ऑफ देम सेड टू हैव बोर्न इन मिडल गंगा प्लेन, मिडल गंगा प्लेन में बिलोंग करते थे। अब वर्धमान महावीर के बारे में देखते हैं, बोर्न हुए थे 540 कुंडग्राम नियर वैशाली, फादर्स नेम वॉज सिद्धार्था एंड हेड ऑफ फेमस सत्रिया क्लेन जात्रिका। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, यू हैव टू नो दैट थिंग की किस क्लेन से वो बिलोंग करते थे। एंड इस मदर वाज त्रिशला, सिस्टर ऑफ लक्ष्मी चीफ चेतक, वो डॉक्टर वाज मैरिड विद बिम्बिसारा। तो मतलब आप देख सकते हैं बिम्बिसार के साथ उनकी डॉक्टर की शादी हुई थी, तो ये सारे जो थे क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे। ही एबडॉन्ड द वर्ल्ड एट एज ऑफ 30 एंड बिकम एस्केटिक एट द एज ऑफ 42, ही अटेंड केवला बिकॉज ऑफ कंकस, ही इज नोन एज महावीर अर्जुना आर ग्रेट हीरो, पास डिवाइन 468 BC एट पावापुरी प्रेजेंट राजगीर, पावापुरी प्रेजेंट राजगीर में ये पास दबे हो गए थे, मतलब इनको अटेंडमेंट के बाद केवलिया मिल गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म में क्या है, डू नॉट कमिट वायलेंस, देखिए यहाँ पे वायलेंस नहीं था, इसकी वजह से वैसा इसको क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। डू नॉट स्पीक अ लाई, तो झूठ नहीं बोलते थे, इसमें भी वैसा इसका फायदा था। डो नॉट स्टील, इसमें वैसे आज का ही फायदा था। डो नॉट अक्वायर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी अक्वायर ना करने में भी वैसे आज का ही फायदा था, ठीक है ना। ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस ऑफ ब्रह्मचर्य, तो एडेड बाय महावीर, तो ये ऊपर की जो चारों है इसको पार्श्वनाथ ने ऐड किया था, लास्ट वाला जो है इसको महावीर ने ऐड किया था, ब्रह्मचर्य वाला सिस्टम। देखिए बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टू नॉन वायलेंस, महावीर आस्क पीपल टू डिस्कार्ड क्लोज टूगेदर एंड लेटर ऑन अकाउंट ऑफ दिस इट डिवाइडेड इनटू टू, स्वतंबर एंड दिगंबर, ठीक है ना। तो महावीर ने कहा था कि आप अपने क्लोथ को डिस्कार्ड कीजिए, क्लोथ मत पहनिए, और इसी के बेसिस पे गेटा के दो में डिवाइड होता है, स्वतंबरा और दिगंबरा में। दे रिकॉग्नाइज एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बट प्लेस देम लोअर देन जीना, उन्होंने गॉड के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया बट उनको प्लेस दिया लोअर देन जीना, जो भी जीना हो जाता था, जैसे जिसको अटेनमेंट मिल गई उसको जीना बोला जाता था, तो उनको गॉड को उनसे लोअर जो प्लेस है वो दिया जाता था। इट डिडंट कंडेम वर्णा सिस्टम एज बुद्धिज्म, बुद्धिज्म ने वर्णा सिस्टम को कंडेम किया लेकिन इसने कंडेम नहीं किया था। अकॉर्डिंग टू महावीर पर्सन टेक बर्थ इन सोसाइटी अकॉर्डिंग टू दियर कर्मा इन प्रीवियस बर्थ, जिसमें कर्मा की बात हो रही है कि लोगों को बर्थ मिलती है, ठीक है ना, सोसाइटी में अकॉर्डिंग टू प्रीवियस बर्थ। नो रिचुअल अकॉर्ड टू गेट लिबरेशन फ्रॉम दिस वर्ल्ड, इट कैन बी ऑप्टेन थ्रू 3 jewels ऑफ जैना। तो उन्होंने कहा कि लिबरेशन पाने के लिए किसी भी रिचुअल की आवश्यकता नहीं है, ब्रह्मेकल डोमिनेशन को उन्होंने यहाँ पे चैलेंज किया और कहा 3 jewels ऑफ जैना को अगर कोई फॉलो करता है तो उसको लिबरेशन मिल जाएगी। राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन। राइट फेथ किसमें, बुद्धिज्म में। राइट नॉलेज किसकी,
बुद्धिज्म की एंड राइट एक्शन बुद्धिज्म की जो भी प्रिंसिपल है उनकी. दे प्रोहिबिटेड प्रैक्टिस ऑफ वॉर एंड एग्रीकल्चर बिकॉज बोथ इन्वॉल्व किलिंग. मेनली दे कन्फाइंड देमसेल्फ इन ट्रेडिंग एक्टिविटी. तो ये मेनली ट्रेडिंग एक्टिविटी में कन्फाइंड थे. इन्होंने वॉर और एग्रीकल्चर दोनों को रिस्ट्रिक्ट किया. इनका इनका मानना यह था कि जितनी भी चीजें हैं लिविंग और नॉन लिविंग सब में क्या होता है, सब में आत्मा होती है, ठीक है ना, उनको मारना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लेके चलते थे. स्प्रेड ऑफ जैनिज्म की अगर बात करें, स्प्रेड कैसे हुआ, ही एडमिटेड बोथ मैन एंड वुमेन, इसकी वजह से स्प्रेड हुआ. मतलब कॉज ऑफ स्प्रेड क्या है, क्योंकि क्यों जैनिज्म फैल गया. मैन एंड वुमेन दोनों को इन्होंने एक्सेप्ट किया, ठीक है ना. इन्होंने खुद को ब्राह्मण के रिलीजन से अलग बहुत ज्यादा नहीं किया एंड दस फेल टू अट्रैक्ट. देखिए इन्होंने ब्राह्मणिकल सिस्टम क्या किया, अपोज किया, बट इन्होंने ये अपने आपको ऐसे प्रेजेंट नहीं कर पाए कि ब्राह्मणिकल सिस्टम से अलग है, इसकी वजह से मासेस को अट्रैक्ट करने में फेल हो गए. साउथ एंड वेस्ट में ये स्प्रेड हुआ वेयर ब्राह्मणिकल रिलीजन वॉज वीक. स्प्रेड इन कर्नाटका एट्रिब्यूट टू चंद्रगुप्त मौर्य. तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटका में इसको स्प्रेड करवाया. अनदर रीजन ऑफ स्प्रेड इज फेमाइन इन मगध. तो मगध में फेमाइन हो गई थी. एंड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ मेनी जीना गो साउथ विद भद्रबाहु. तो भद्रबाहु के साथ साउथ में चले गए एंड रेस्ट स्टेड इन मगधा विद स्थूलबद्ध. स्थूलबद्ध के साथ मगध में रुक गए थे. दस एमिग्रेंट जीना स्प्रेड बुद्धिज्म जैनिज्म इन साउथ. तो जो लोग यहाँ से एमिग्रेंट थे जो साउथ में चले गए थे खुद को फेमाइन से बचाने के लिए, उन लोगों ने इसको साउथ में स्प्रेड किया. In this time, both resided in Magad, alleged that they breached the rule of Jainism and thus it divided into two. तो जो मगध में रुक गए थे, जब वो लोग बाहर आए भद्रबाहु के साथ वाले जो गए थे, जब वो वापस आए फिर से, तो उन्होंने कहा कि जो यहाँ पे स्थूल भद्र के साथ रुके हैं मगध में, उन लोगों ने जो जैनिज्म के प्रिंसिपल है उनको वायलेट किया है. इसी के बेस पे दो में डिवाइड हो गया, ठीक है ना. इसकी एक काउंसिल हुई पाटलिपुत्रा में, कोई रिजल्ट नहीं आया, फिर इसको दो में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है ना. स्वतांबरा दिगांबरा, स्वतांबरा जो थे जो मगध में रुक गए थे, जिन्होंने जिनको एलिगेशन ये लगा कि उन्होंने रूल को ब्रीच कर दिया है, दिगांबरा वो थे जो ओरिजिनल प्रिंसिपल पे रुके हुए थे. इन फिफ्थ सेंचुरी वेरियस जैनिज्म मॉनेस्ट्री एस्टैब्लिश्ड बाय लैंड गिवन बाय किंग नोन एज वसादीस, ठीक है ना. किंग वसा किंग ने इनको लैंड ग्रांट की, मोनेस्ट्रीज बनाई. इसको क्या कहते हैं, बसादीज, बसने के लिए मतलब जो दिया गया था वो बसादीज, ये पाली लैंग्वेज का होगा आई थिंक, या प्राकृत लैंग्वेज का होगा. इट आल्सो स्प्रेड इन कलिंगा रीजन एंड एंजॉय पैट्रनेज ऑफ खरवेला. लेटर इट पेनेट्रेटेड राजस्थान गुजरात मालवा आल्सो. तो खरवेला ने भी इसको स्प्रेड किया कलिंगा रीजन में. दो डिड नॉट गेट एज मच इंपॉर्टेंस एज बुद्धिज्म बट इट इज स्टिल प्रेजेंट वाइल बुद्धिज्म मैंने स्टॉप फ्रॉम डेथ. इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इसको बुद्धिज्म की जैसे बहुत सारे किंग्स ने बुद्धिज्म को पैटर्नर्स दिया, जैनिज्म को नहीं दिया, लेकिन फिर भी जैनिज्म अभी भी प्रेजेंट है इंडिया में, जबकि बुद्धिज्म पूरा इंडिया से वैनिश्ड ऑफ हो गया है. अब बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म की, जैनिज्म का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा है. फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट टू मिटिगेट एविल ऑफ वर्णा ऑर्डर. तो वर्णा ऑर्डर को इन्होंने मिटिगेट करने की कोशिश की, पहला अटेम्प्ट था. संस्कृत को डिस्कार्ड किया कि ये लैंग्वेज ऑफ ब्राह्मण्स है, अडॉप्टेड प्राकृत को अडॉप्ट किया, कॉमन लैंग्वेज थी जिससे कि इनकी डॉक्ट्रिन जो थी कॉमनस में स्प्रेड हो गई, क्योंकि लोगों को संस्कृत कम आती थी प्राकृत ज्यादा थी. रिलीजियस लिटरेचर रिटन अर्धमगधी एंड कंपाइल्ड इन सिक्स सेंचुरी एट वल्लभी ग्रेट सेंटर ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना. तो अर्धमगधी में लिखे गए लिटरेचर बहुत सारी. अडॉप्शन ऑफ प्राकृत हेल्प्ड इस ग्रोथ एंड दस द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेज. तो प्राकृत को अडॉप्ट करने की वजह से इसकी ग्रोथ हुई, इसकी ग्रोथ में हेल्प हुई और रीजनल लैंग्वेज भी बहुत सारी एमर्ज हुई, जैसे मराठी, ठीक है ना. जैना कंपोज अर्लियर वर्क इन अपभ्रंश विच द सोर्स ऑफ सेवरल रीजनल लैंग्वेज, ठीक है ना. तो मराठी जैना जो थे उन्होंने अर्लियर वर्क एक अपभ्रंश करके एक बुक कंपोज की जो सोर्स है बहुत सारे अदर रीजनल लैंग्वेजेस का. जैसे सपोज की हिंदी से बहुत सारी चीजें जैसे अवधी हो गई, भोजपुरी हो गई, मैथिली हो गई, ये सारी चीजें निकलती हैं. वैसे मराठी से भी बहुत सारी लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज निकली. जैना लिटरेचर कंटेन एपिक्स पुराण ड्रामा नॉवेल मच ऑफ दिस स्टिल इन मैनुस्क्रिप्ट फॉर्म रोट एक्सटेंसिवली इन कन्नड़ा एंड द सेल्फ इन ग्रोथ. जैना यूज संस्कृत टू कंपोज मेनी टेक्स्ट इन अर्लियर मेडिवल टाइम. बाद में जैना ने भी संस्कृत को अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है ना. जब ये दो में डिवाइड हो गए स्वतंबर दिगंबर, स्वतंबर जो थे उन्होंने संस्कृत को अडॉप्ट कर लिया था.
इसमें स्वतंबर और दिगंबर के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। प्रैक्टिस ऑफ न्यूडिटी की बात करें तो स्वतंबर प्रैक्टिस करते थे, दिगंबर नहीं करते थे। लिबरेशन ऑफ वुमन, दिगंबर बिलीव दैट वुमन लैक्स द एडमटाइन बॉडी एंड रिजिड विल नेसेसिटी टू अटेन मोक्ष, दैट इज लिबरेशन, हेंस ही मस्ट बी रिबॉर्न एज मैन फ्री फ्रॉम सर्टेनिटी पॉसिबल। बट देखिए इसमें दिगंबर ने क्या कहा, दिगंबर ओल्ड रूल पे स्ट्रिक्ट थे, तो उन्होंने क्या कहा कि वुमन की जो बॉडी है वो लिबरेशन के लिए बनी नहीं है, तो उनको अगर लिबरेशन चाहिए तो उनको फिर से दूसरे जन्म में आदमी उनके मैन बन के आना होगा, उसके बाद उनका अटेंड मिले। जबकि स्वतंबर ने कहा कि वुमन कैपेबल है इसी प्रेजेंट लाइफ टाइम में और कुछ स्पिरिचुअल के थ्रू वो उनको लिबरेशन ले सकती है। फूड फॉर ओमनीसिएंट अकॉर्डिंग टू दिगंबरा, वंस हिज सन बिकम ए केवला दैट इज ओमनीसिएंट, ही नीड नो मोरल ऑफ फूड बट द व्यू इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द स्वतंबरा। ठीक है ना, तो इसमें होता क्या था कि इसमें क्या करते थे कि अटेनमेंट के लिए क्या करते थे, खाना पीना सब कुछ छोड़ देते थे। ठीक है ना, तो दिगंबर इस पे स्टिक रहे जबकि स्वतंबर इस पे स्टिक नहीं रहे। और कभी तो यह होता था कि ये भूख प्यास से ही अपना अपनी बॉडी को छोड़ देते थे और उसको केवला कहा जाता था। माइनर पॉइंट ऑफ माइनर डिफरेंस क्या है, लीविंग असाइड दैट ट्रिवियल डिफरेंस ऑन रिचुअल कस्टम एंड मैनर, द फॉलोइंग आर सम ऑफ द माइनर पॉइंट इन टू सेक्ट ऑफ दिगंबर एंड स्वतंबर डू नॉट एग्री। जैसे एम्ब्रियो ऑफ महावीर, मतलब किसमें ये एग्री नहीं, एम्ब्रियो ऑफ महावीर, स्वतंबर कहते हैं कि महावीर जो थे क्षत्रिय क्लेन में, क्षत्रिय लेडी जो थी त्रिशला, उनके यहाँ बॉर्न हुए थे। दो कंसेप्शन टुक प्लेस इन वॉर्म ऑफ ब्राह्मण लेडी देवनंदा, तो कंसेप्शन जो था वो ब्राह्मण लेडी देवनंदा के वॉर्म में हुआ था। द चेंज ऑफ एम्ब्रियो इज बिलीव टू हैव बीन इफेक्टेड बाय गॉड इंद्र, तो ऐसा माना जाता है कि जो गॉड इंद्र थे उन्होंने एम्ब्रियो को चेंज कर दिया ब्राह्मण लेडी से क्षत्रिय लेडी में। ठीक है ना, बट दिगंबर हैव डिसमिस्ड द होल एपिसोड एज अनरियल एंड ऑब्जर्व, तो जो दिगंबर है वो इसको क्या करते हैं, डिसमिस कर देते हैं। मैरिज ऑफ महावीर के बारे में स्वतंबर बिलीव करते हैं कि यशोदा से इन्होंने शादी की थी, लेकिन दिगंबर इसमें बिलीव नहीं करते। तीर्थंकर मल्लिनाथ, स्वतंबर कंसिडर मल्लिनाथ द 19th तीर्थंकर एज फीमेल बाय नेम, 19वें तीर्थंकर कौन थे, मल्लिनाथ, तो इनको स्वतंबर फीमेल मानते हैं बल्कि दिगंबर इनको मेल मानते हैं। आइडल्स ऑफ तीर्थंकर, स्वतंबर ट्रेडिशन डिफिक द आइडल ऑफ तीर्थंकर एज वेरिंग ए लॉयन क्लोथ बेटर देन जल्स एंड विद ग्लास आई इन सर्टेन मार्बल, बट द दिगंबर ट्रेडिशन रिप्रेजेंट आइडल ऑफ तीर्थंकर एज न्यूड। ठीक है ना, तो स्वतंबर ने क्या किया है कि उनको एक यू नो मेटरलिस्टिक टाइप की तरह डिपिक्ट किया है, बट दिगंबर जो है वो उसको न्यूड डिपिक्ट करते हैं कि उनको किसी की जरूरत नहीं थी, वो फ्री फ्रॉम मेटरलिस्टिक लाइफ थी। कैनोनिकल लिटरेचर, लिटरेचर की बात करें, स्वतंबरा बिलीव इन वैलिडिटी एंड सेक्रेटनेस ऑफ, तो स्वतंबरा लिटरेचर जो भी लिखी गई है उनकी सेक्रेटनेस पे बिलीव करते हैं जबकि दिगंबर नहीं करते हैं। चरित्राज एंड पुराना, तो स्वतंबरा यूज द टर्म चरित्राज एंड दिगंबरा मेक यूज ऑफ टर्म पुराना फॉर द बायोग्राफीज ऑफ ग्रेट टीचर, ये डिफरेंस है। फूड फॉर एस्केटिक, द स्वतंबरा मॉन्क्स कलेक्ट देयर फूड फ्रॉम डिफरेंट हाउस व्हाइल द दिगंबरा मॉन्क टेक फूड स्टैंडिंग एंड विद द हेल्प ऑफ Knotted upturned palms and in one house only were संकल्प, तो संकल्प इज फुलफिल्ड। ठीक है ना, तो स्वतंबर क्या करते थे कि बहुत सारे हाउसेस में जाके वो मांग लेते थे। दिगंबर क्या करते थे, नॉटेड अपटर्न पाम्स होते थे, पत्ते होते थे उनपे मांगते थे, और इनका संकल्प होता था कि इतने घर में मांगने से इनको एक ही घर में मांगते, एक ही घर में मांगते थे, जो भी इनको खाने को मिल जाता था वो खा लेते थे। ड्रेस ऑफ एस्टिट्यूट, स्वतंबर मॉन्क्स वेयर व्हाइट क्लोथ, तो स्वतंबर व्हाइट क्लोथ पहनते हैं, दिगंबरा ने मॉन्क्स ऑफ आइडियल ग्रंथ टाइप आर नेक, तो ये नेक रहते थे। पोजिशन ऑफ एस्केटिक, स्वतंबरा एस्केटिक अलाउड टू हैव बीन 14 पोजिशन इंक्लूडिंग लॉइन क्लोथ शोल्डर क्लोथ, तो इसमें स्वतंबरा में बहुत सारे पोजिशन है, जैसे वो सॉल कैसे, मतलब की जो भी उनकी एपेंस टाइप की है उसको कैसे पहनेंगे और उनके शोल्डर्स पे कैसे क्लोथ रहेंगे वो अलग है। दिगंबरा तो वो नेक डे रहते थे, उनपे दो ही पोजिशन है, ए द पिच्छी, जैसे कि जो पिकॉक की जो उनके जो पंख होते हैं उसकी एक झाड़ू टाइप की होती थी, एंड एक कमंडल, एक वुडन का पॉट होता था इसमें खाना लेते थे। तो ये जैनिज्म का हो गया। बुद्धिज्म एंड गौतम बुद्ध वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो, सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, एंड एज ऑलवेज हरा वही जो लड़ा नहीं।